हैकिंग एक ऐसा शब्द जिससे हम सब डरते हैं, क्योंकि आए दिन हैकर्स के कॉल आते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि हेलो मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ, आपको इतने करोड़ की लॉटरी लगी है, अब अपने ये इन्फॉर्मेशन शेयर करो, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करो, एंड काफी सारे लोगों के पैसे ऐसे से डूब जाते हैं, उनके साथ स्कैम हो जाता है। दूसरी ओर कुछ अच्छे हैकर्स भी रहते हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं एंड किसी चोर के खिलाफ लड़ने के लिए काम करते हैं, चोर के घर से चोरी करने का काम करते हैं। एंड बचपन में मैं जीनियस मूवी देखी थी ये, एंड जिसमें ये बंदा IIT में होता है एंड ये हैकिंग वैकिंग करता रहता है, तो इसने मेरे को काफी ज्यादा इंस्पायर करा था एंड मुझे हैकर की लाइफस्टाइल काइंड ऑफ पसंद भी और काइंड ऑफ पसंद नहीं भी है। तो इसी कंफ्यूजन एंड डिलेमा को दूर करने के लिए चलो एक्सपीरियंस करते हैं एक हैकर की लाइफस्टाइल एंड एक हैकर अपने जिंदगी में क्या-क्या चीजें करता है। प्लेइंग दिस गेम, इस गेम को तुम भी खेल सकते हो, मैं वीडियो में कहीं बीच में बता दूंगा इसका नाम क्या है, बट उससे पहले लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। देखो आज का हमारा डे 1 है एंड ऊपर तुम देख सकते हो कि अभी हमारे को नूब की कैटेगरी मिली है, मतलब हम लोग हैकर तो है बट बड़े ही वाहियात से घटिया से, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया ना अब तक। तो ये हमारा डे 1 है एंड हमको एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी की तो चुरानी है जिसके हमें $100 मिलेंगे। डैम तेरे देखो चोरी करने में आ चुका हूँ किसी के इस पे, ये तो चोरी कर रहा है भाई, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या शेयर कर रहा है। हाँ एक मैडम जी आई है यहाँ पे एंड ये हमसे पूछ रही है कि तुम इस रूम में क्या कर रहे हो, तो मैं उसको बता देता हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा कि नन ऑफ योर बिजनेस तो ये रूडली बात करना हो जाएगा एंड वो हम पे शक कर सकती है, इसलिए बता देते हैं कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ। एंड वो अभी हमसे जॉब के बारे में पूछ रहे कि हमारी जॉब क्या है, मैं CEO बता दूंगा तो ज्यादा फेक ना हो जाएगा, उसको ऑब्वियसली CEO कंपनी का कौन है तो पता तो होगा, IT हेड बोल देता उसको, ओके माय बैड लिव यू अलोन, तो वो मान चुके हैं, वो जा रही है अभी। एंड अब लैपटॉप को खोलते हैं अपने, इसका पासवर्ड है 2431, लेट्स गो। एंड अब हमें लैपटॉप स्क्रीन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करने का है, तो ये तो लेफ्ट वाला तो भाई नॉर्मल फोल्डर है, अपने को कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो सीक्रेट फाइल को एक्सेस करते हैं एंड सारे के सारे मैंने डाउनलोड कर लिया एंड यस सक्सेसफुली हमने चुरा लिया। तो अब जो नूब वाला जो लेवल था उसकी ग्राफ थोड़ी सी हमारी बढ़ गई है, अगर वो ग्राफ फुल हो जाती है तो हम लोग नूब लेवल से ऊपर उठ जाएंगे। अब हमारा डे 2 है जिसमें से हमें एक बच्चे के ग्रेड्स चेंज करने के A+ में, ये कैसे कैसे काम आ रहा है यार हमें, हम लोग वापस से आ चुके हैं एक नया ड्रेस बदल के, डैम। एंड ये औरत फिर से आ गई है, बोल रही हाँ मिस्टर स्मिथ योर सन हैज बीन गेटिंग टेरिबल ग्रेड्स। अच्छा तो हमको अभी उसको दो जवाब दे सके, एक तो गेट बेटर टीचिंग एंड आई एम सॉरी ही इज ट्राइंग हार्ड, तो देखो दूसरों पे गलती थोपने से अच्छा खुद थोड़ा एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें एट लास्ट ग्रेड्स बदलने हैं, उसको जरा सा भी शक और जरा सा भी बुरा फील नहीं होना चाहिए, एकदम क्या बोलते हैं उसको शुगर कोटेड बातें करते हैं ताकि हम लोग सक्सेसफुली चोरी कर पाए। यस उसको बोल लेते हैं भाई इट्स ओके हियर इज हिज ग्रेड बुक, ठीक है वो ग्रेड बुक दे रही है, देखो अगर हमने रूड जवाब देते तो हो सकता है वो ग्रेड बुक ही ना देती अपने, है ना, तो इसलिए अब उसको ना हमें दो तरीके से हम लोग फंसा सकते, एक तो उसको पानी के लिए भेज के या तो फिर उसको बोल के कि प्रिंसिपल ने तुम्हें बुलाया है, तो अगर पानी के लिए भेजेंगे तो वो पानी लाते लाते उसको टाइम हो जाएगा ना, वो एक जेन्युइन चीज लगेगी, बट प्रिंसिपल ने बुलाया ये मैंने सुना, ये बोलना थोड़ा गलत साबित हो सकता है क्योंकि वो बोलेगी मेरे को तो आवाज नहीं आया, तो ये प्लान चौपट हो सकते, इसलिए उसको पानी के लिए भेजते हैं, तो लेट्स गो श्योर वो वापस आएगी, अच्छी मैडम है। एंड अब मैडम का टैबलेट मेरे हाथ में आ चुका है, फटाफट से जब तक कि वो पानी लेके आते तब तक फटाफट से इसको अनलॉक करके इसका पासवर्ड यहाँ पर डालते हैं एंड फटाफट से ग्रेड चेंज करते हैं, यहाँ पर क्लास ग्रेड C है तो इस A+ देंगे, यस डन ओके, हमें सक्सेसफुली ग्रेड्स भी चेंज कर लिए उसके टैबलेट में से, डैम। अब हमारा डे 3 है एंड हमें एक मशहूर डॉक्टर के पास से उसका एक सीक्रेट मेडिसिनल फॉर्मूला चुराने का है, अगर वो हम लोग चुरा लेते हैं तो हमारे पास काफी ज्यादा पैसा ही पैसा हो सकता है एंड अच्छी प्रोग्रेस है हम लोग ग्रेड्स बदलने से, देखो ये ग्रेड्स बदलने से लेकर अब मेडिसिनल फॉर्मूला चुरा रहे। यहाँ पर वही डॉक्टर है जो कि मशहूर है, उसका नाम मिस्टर रिक है एंड हमने उसको हाय बोल दिया, बट वो बोल रहे हैं कि भाई वो बिजी है तुम बाद में आओ, तो हमारे पास दो ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन कि उसको बताना कि भाई हम जो बात कर रहे हो काफी ज्यादा अर्जेंट है, या फिर दूसरा उसको रिक्वेस्ट करना कि प्लीज मेरी बात सुनो, शायद से रिक्वेस्ट करेंगे तो वो लाते मार के फेंक देगा, उसको सीधा बोलते हैं कि दिस इज टू अर्जेंट लेट्स गो, वो अब सीरियस हो चुका है, वो थोड़ा पूछ रहे कि बताओ। सो अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि पहला उसको बताना कि तुम्हारा जो नाम है वो नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हो चुका है, तुम सिलेक्ट हो चुके हो, फिर दूसरा ऑप्शन बताना है कि एक क्यूट असिस्टेंट स्टूडियो पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। देखो आई थिंक ये काफी अच्छा साइंटिस्ट है, तो मेरे को लगता है कि दूसरे ऑप्शन से तो बिल्कुल नहीं मानने वाला, पहला ऑप्शन ट्राई करके देते हैं, बट थोड़ा खुराफाती करते हैं, सेकंड ऑप्शन ही बता देते हैं उसको। डैम फाइनली आई गॉट टू गो कीप, अबे यार सच्ची में वो वैसा ही निकला वो चला गया भाई उसके तरफ। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर फिंगरप्रिंट निकाल लेते हैं, यहाँ पे ये रही फिंगरप्रिंट एंड
यही है वो फिंगरप्रिंट, मैच करके देखते हैं। मैच कर रही 100%, यस। यहाँ पर वो फॉर्मूलाज की अलमारी खुल चुकी है, फटाफट सारे फॉर्मूलाज कलेक्ट करते हैं। एंड वो तो फंस गया, वही डायलॉग है ना कि बाबू भाई आप फंस गए, बामन की आगे तुम लोग कंप्लीट करते ना, मेरे को तो इतनी आ रही है। एंड फाइनली हम लोग नूब से एक रुकी लेवल पर पहुंच गए। रुकी भी भाई बहुत ही बेइज्जती वाला लेवल है, मतलब समझ सकते हो ना, प्रो लेजेंड ऐसा लेवल रहना चाहिए अपने हैकिंग वाले में भी, बट फिलहाल रुकी का लेवल है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बट मजा आ रही है हैकिंग करने में, बेसिकली हैकिंग और चोरी। वैसे हैकिंग तो चोरी ही होती है ना, बट हाँ ये मेरे को हैकर कम चोर ज्यादा लग रहा है। मैंने इमेजिन किया था भाई कंप्यूटर से सारी चीजें करेगा, बट ये एक्चुअली फिजिकली जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये फिजिकली जाना, फिजिकली चोरी करना हैकिंग के थ्रू, ये काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है जो कि हमको रियल लाइफ में नहीं करना चाहिए, भाई गेम में तुम एक्सपीरियंस कर सकते। एंड अभी बारी है हमारी ऑफिस क्रिएट करने की, क्योंकि हमने काफी पैसा कमा लिया, अब थोड़ा एस्टेब्लिश्ड हैकर बन जाते हैं, थोड़ा ऑफिस क्रिएट करते हैं। तो यस हम एक फर्नीचर लेंगे, एंड यहाँ पे मैंने फर्नीचर अपग्रेड कर दिया। देखो पहले से हमारे पास 3 मॉनिटर सेटअप तो था हैकिंग करने के लिए, बट अब मैंने पीछे टेबल भी लगा दिया, थोड़ा सोफा वोफा भी लगा सकते हम लोग, अभी बस इतना ही करेंगे। एंड एक नई ऑफिस भी अनलॉक कर सकते हैं, बट जो कि डे 20 पर अनलॉक होगी, एंड अभी हमारा फिलहाल डे 4 चल रहा है, देखते हैं। एनीवेज यहाँ पर हम लोग एक स्टेशन भी यहाँ पर मंगा सकते हैं, इसको भी मंगा लेते। देखो ऊपर एक स्टेशन आ चुका है हमारे, एंड बाकी एक डेकोर भी लगा सकते, डेकोर भी लगा देंगे, थोड़ा कूल ऑफिस लगेगी। एनीवेज मैं सारा का सारा पैसा फूक चुका हूँ अपने ऑफिस को अपग्रेड करने में, कुछ सेविंग विविंग कुछ नहीं करी, तो अब सेविंग वगैरह भी करनी पड़ेगी। फिलहाल वाईफाई को हैक करने का दिन फाइनली आ चुका है, किसी का वाईफाई हैक करेंगे, तो चलो देखते हैं वाईफाई कैसे हैक किया जाता है। यहाँ पे एक हम लोग अभी कंप्यूटर से ही कर रहे हैं। देखो यहाँ पर अपने को डालने का यूजर नेम, तो इट हर्ट्स व्हेन अप व्हेन, तो यहाँ पे यूजर नेम है इट हर्ट्स व्हेन आईपी, ठीक है। और इसका पासवर्ड है डिनाइड, भाई कैसा पासवर्ड रखा है, ठीक है, डिनाइड, ओके। एंड यस फाइनली हमने हैक कर लिया है, ये तो कोई बच्चा भी कर लेता है यार, पासवर्ड पता हो वाईफाई पता हो। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि हम लोग हैकर है, तो हम लोगों ने किसी तरीके से हैक करके पासवर्ड हासिल किया था, उस कंपनी ने जिस कंपनी का हमने वाईफाई चुराया उसने हमें पासवर्ड नहीं बताया था, समझ रहे हो। तो ये चलो अब इसके बाद हम लोग एक बहुत ही बड़ा सा पंगा लेने वाले हैं, हम लोग एक प्रेसिडेंट का कंप्यूटर हैक करने वाले हैं, भाई सोचो कंट्री के प्रेसिडेंट का भाई। बट इसके हमको $180 मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखो हमको सबसे पहले एक सीसीटीवी कैमरा हैक करने का है, ताकि हमको पासवर्ड पता चल सके। तो सीसीटीवी कैमरा देखो, ये प्रेसिडेंट यहाँ पर कुछ तो कर रहा है, ओके 14114 उसका पासवर्ड हमको मिल चुका है, 14114। एंड अब हम लोग प्रेसिडेंट के ऑफिस में फाइनली जा रहे हैं। देखो डैम अभी प्रेसिडेंट कौन है, गुड आफ्टरनून मिस्टर प्रेसिडेंट, ये हमने बोला है प्रेसिडेंट को। एंड वो हमसे पूछ रहा है कि भाई तुम कौन हो भाई, अचानक से कैसे कैसे आ गए यहाँ पे। तो अब हम उसको दो जवाब दे के फंसा सकते हैं, एक तो बोल के कि हम लोग उसके नए असिस्टेंट है, या फिर सीधा उसको बता के कि मैं हैक करने आया तुम्हारा कंप्यूटर का। दूसरा जवाब देंगे ना तो पुलिस बुला के हमको जेल में डाल देगा, तो पहला वाला बता देते कि हम लोग तुम्हारे नए असिस्टेंट है। एंड ये बुद्धू प्रेसिडेंट उमान भी क्या बोल रहा है, ओ दैट्स कूल व्हाट्सएप भाई, व्हाट्सएप तेरा अभी निकालता हूँ तेरा। अब उसको फिर से हम लोग जाल में फंसाएंगे, उसको ये चीज बोलेगा कि तुम्हारे गोल्फ बडीज जिसके साथ तुम लोग गोल्फ खेलते हो वो तुम्हें बुला रहे हैं, या फिर उसको दूसरा ऑप्शन देखे कि तुम्हारा नया बालों का वेग आ चुका है। मैं दूसरा ऑप्शन दूंगा, थोड़ा लगेगा ना भाई जेन्युइन असिस्टेंट है, इसको मेरे बालों के वेग के बारे में पता है, डैम ऐसा सोचेगा वो तो चला जाएगा। वरना अगर बोलेगी गोल्फ बडीज बुला रहे तो वो शायद शक कर सकता है कि भाई ये पहले ही दिन आके मुझे ऑफिस से बाहर निकालने की प्लानिंग क्यों कर रहा है। तो यस बोलेंगे तुम्हारा नया वेग आ चुका है, ओएमजी थैंक यू आई हैव गॉट गुड टू गो। आज पता चला मिस्टर प्रेसिडेंट विग पहनते हैं। एंड फाइनली हमने पासवर्ड रिवील किया था, 14114 था, आई गेस 14114। भाई मुझे याद था, अच्छी बात है, अगर याद नहीं रहता तो बुरा फंस जाते हम लोग, क्योंकि यहाँ पे इस गेम में बीच बीच में एड्स दिखाई जाते हैं, तो एड्स देखने की वजह से थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी 17 की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, बट तुम लोग वीडियो देख सकते हो वो कम की होगी होगी अभी तक, क्योंकि वो बीच बीच में जो एड्स आते हैं मैं एडिटिंग में काट देता हूं उसको। तो वो एड्स जब आ रहे थे तो मैं भूल गया था पासवर्ड, बट गलती से याद रह गया 14114, अब तो कभी नहीं भूलूंगा मैं। एनीवेज यहाँ पर अभी हमको क्या चुराना था, हैक करना था कंप्यूटर, उसके फोटोज ले या फिर लैपटॉप स्क्रीन से लॉज निकाले, फोटोज देखते थोड़े इसके, बट फोटोज यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है अभी भी इतने प्रो हैकर नहीं बन पाया कि हम लोग किसी के फोटोज एक्सेस कर सकते। लॉज में जाके डैम हम लोग लॉज बदल सकते हैं उसका कंप्यूटर हैक करके, डैम बहुत इंटरेस्टिंग से लॉज है। एक सबसे पहला है फ्री फोन, जितने भी लोग है सबको फ्री फोन मिलेगा, फ्री फूड एंड फ्री ड्रिंक सबको ही टिक कर देते, सब कुछ फ्री मिलेगा, अपने को पब्लिश कर दो भाई लॉज को। एंड यस देश की जनता मुझे धन्यवाद करेगी। अब देखो ये फिर से एड लग गई यहाँ पे,
चलो एनीवेज, काफी लंबे अरसे की एड देखने के बाद मैं वापस आ चुका हूँ डे नंबर 6 पे। एंड डे नंबर 6 पे एक्चुअली हमें एक चीटर को पकड़ने का है, इट मीन्स चोर के घर से हमें चोरी करने का है। मतलब हम लोग फाइनली एक अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे अब तक कि हमने किसी का गलत कुछ काम नहीं बिगाड़ा। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट का अगर हम लोग कंप्यूटर भी हैक करा तो उससे हमने देश की भलाई की, वैसे देश की भलाई तो नहीं की फ्री में सब कुछ बांट के, देश की जनता आलसी हो जाएगी, बट स्टिल हमने उनका एटलीस्ट नुकसान तो नहीं किया, फायदा ही करा है। उनको फ्री फोन मिल जाएगा भाई, फ्री फूड मिल जाएगा, फ्री ड्रिंक्स मिल जाएगी, अच्छी बात है ना। किसी का नुकसान अभी तक के हमने नहीं किया, इट मीन्स हम लोग एक अच्छे हैकर बनने की रास्ते पर चल रहे हैं। फिलहाल एक चोर के घर से चोरी करने का, एक चीटर को हमें चीट करने का है, समझ रहे हो। ये भी अच्छा ही काम है, इसके हमें $180 मिलेंगे, लेट्स गो। और ये बोल रही है कि उसका हस्बैंड शायद से उस पर चीट कर रहा है, एक औरत हमारे पास एक कंप्लेन लेकर आई है। मुझे तो अब बादशाह पिक्चर वाली फीलिंग आ रही है, वो बादशाह में होता है ना डिटेक्टिव बनता है, उसके पास तरह तरह के लोग प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, वैसे ही यहाँ पर मैं हैकर हूँ बट मेरे को हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम्स के लिए मुझे अप्रोच क्यों करा जा रहा है भाई। हाँ एनीवेज, यहाँ पर वो बोल रही है कि उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं उसको बोलूँ कि भाई कैसे मैं मदद कर सकता हूँ, मैं मदद करूंगा तुम्हारी, या फिर दूसरी चीज हम लोग उसको जवाब दे सकते हैं कि अगर वो चीट कर रहा है तो तुम भी चीट करो। ये दूसरा जो ऑप्शन है वो मना करने का तरीका है कि हम लोग इस लफड़े में नहीं पड़ेंगे, बट मेरे को पढ़ने का है, मेरे को देखने का है कि वो किस प्रकार से चीट कर रहा है, तो हम लोग उसकी हेल्प करेंगे। एंड वो चाहती है कि हम उसको कुछ प्रूफ्स दे, बट हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सही नो मोर। तो हमने जैसे कि उसको बोला कि तुम आगे कुछ मत बताओ, बाकी सब जिम्मेदारी हमारी। तो यस, हम लोग अभी आ चुके हैं अपना मास्क पहन के, हैकर बन के, उसके घर पे। एंड देखो वो पता नहीं किसी और औरत के साथ यहाँ पर है, फटाफट से उसकी फोटो ले लेते हैं। वो इधर देख रही है, उस अभी नहीं देखेंगे तो भाई वो पकड़ लेगी हमें, बट यस अभी नहीं देख रही थी, फोटो खींच लो। 3 ओए, उसको फिर से शक हुआ, वो वापस इधर देख रही है, तो हम लोग वापस फोटो खींच लेते हैं। अभी जब वो पलटेगी उसने फोटो खींच लिया फाइनली, एंड उसको प्रूफ लाकर दे दिया कि यस तुम्हारा हस्बैंड वाकई में तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहा है। चलो लेट्स गो, अभी हम लोग और काफी ज्यादा अमीर बन चुके हैं, तो अब हम लोग अपने कपड़ों पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं ये कपड़ा पहनता था, मैं ये भी खरीद सकता हूँ, बट मुझे ये वाला ही काफी कूल लग रहा है। बाकी नीचे और भी है बट मुझे सबसे ज्यादा यही पसंद है, बाकी इनमें से ये व्हाइट सूट वाला भी काफी अच्छा लग रहा है, बट ये जो है ना ये काफी डिसेंट सा और अच्छा कूल सा लग रहा है ना। तो अब हमारा डे 7 आ चुका है, एंड हमको किसी का सबूत मिटाने का, किसी का फिंगरप्रिंट्स मिटाने का। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट आवर डे 7 फटाफट से। पैसा छापते देखो यहाँ पर ये फिंगरप्रिंट्स लगे, तो इसको पूरा पोछ दो भाई, पोछ दो। ओके, ये फोन पे किसी के फिंगरप्रिंट्स लगे हैं यहाँ पे, मैंने ये सारे के सारे फिंगरप्रिंट्स यहाँ साफ कर लिया, फिर से ऐड लग गई यहाँ पे। एंड इसी के साथ साथ अपना जो रूकी वाला लेवल था, जो नूप के ऊपर था, वो फाइनली कंप्लीट होने के कगार पर है, बस थोड़ा सा ही क्राफ्ट बचा। आई थिंक एक और लेवल अगर हम लोग क्लियर कर देंगे तो अपना ये रूकी का लेवल जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड अब हमारा डे नंबर 8 आ चुका है, एंड जिसमें हमें एक गोल्ड की तिजोरी को खोलने का है। ओके, यहाँ पर ये बंदा बोल रहा है कि मेरे को एक मेटल सेफ मिला है उसके लॉफ्ट में, तो उसको बोल देते कि उसके अंदर क्या था पूछने के लिए, बट हमें तो पता है कि उसके अंदर गोल्ड ही होगा, तो हम लोग उसको दूसरा जवाब देते थे साउंड्स इंटरेस्टिंग। हम लोग उसके बातों को इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसके बातों में इंटरेस्ट शो करते हैं। तो वो बोल रहा है कि क्या तुम मुझे मदद कर सकते हो उसको ओपन करने के लिए, तो यस हम लोग ऑब्वियसली कर सकते हैं, हमको वही करने का है। एंड ये रही उसकी गोल्ड की तिजोरी। अब इसमें जो पासवर्ड है वो 148 है, एंड चौथा डिजिट जानने के लिए हमको एक एड देखनी पड़ेगी, बट हम लोग एड नहीं देखेंगे भाई, खुद से खोलेंगे। पहला डिजिट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 11, दूसरा डिजिट डाल देते हैं यहाँ पर हम लोग 4, तीसरा डिजिट डाल देते हैं हम लोग यहाँ पर 8, अब बताए चौथा डिजिट 9 डाल के देखते हैं। एंड आई थिंक सच्ची में 9 डाल के देखने के बाद भाई वो तिजोरी खुल गई, मैंने पहला ही गेस करा, पहले ही गेस में वो खुल गई, डैम। बट यहाँ पर तुम देखो कितने ज्यादा जालियां लगे हैं, इसको साफ कर लेते थोड़ा, इन जालियों को हटा लेते हैं, गोल्ड ही गोल्ड मिलेगा अपने को, एंड इन सारे गोल्ड को कलेक्ट कर लेते हैं, डैम सो गुड। एंड हमें इस जॉब करने के, उस बंदे की गोल्ड की तिजोरी खोलने के टोटल $188 मिले, लेट्स कलेक्ट देम। एंड हम लोग फाइनली डे 9 पे पहुंच गए, जिसमें हमको एक फोन को हैक करने का है, बट इस फोन को हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में हैक करेंगे। तब तक इस चैनल को तुम सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में एक्चुअली में फोन को हैक करने वाले, एंड देखते आगे क्या क्या होता है। फिलहाल मेरा रूकी लेवल भी कम्प्लीट हो चुका है, मैं इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच चुका हूँ, इंटरमीडिएट के बाद हम प्रो लेवल पे पहुंचेंगे, देन हैकर लेवल पे, देन अल्ट्रा हैकर, अल्ट्रा लेजेंड, लेजेंडरी, गॉड, ये सारे लेवल पे हम लोग पहुंच जाएंगे, बट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। यस, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर तुमने अब तक के नहीं किया है, तो बाकी इस वीडियो को लाइक करो, एंड मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक बाय बाय, पीस।